सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। तो हमारे साथ समस्तीपुर नगर निगम से वार्ड पार्षद की उम्मीदवार महिला उम्मीदवार है, क्या नाम है? लक्ष्मी सहगलकर। कितना नंबर वार्ड से? 32 नंबर वार्ड से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को? वहाँ की जनता को कहना चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा आगे बढ़ाइए, आगे हम भी देखेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हम बताएँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि पिछला पार्षद जो भी था, ठीक है, वो इतना खराब काम करके गया है और हम एक मौका मांगना चाहते हैं जनता से, और अगर हम उससे अच्छा काम नहीं किए हम अगला बार नॉमिनेशन नहीं करवाएंगे। अगर उससे अच्छा काम नहीं हुआ नॉमिनेशन ही नहीं करवाएंगे, नहीं लड़ेंगे। अच्छा काम करना चाहते हैं जी। क्या नाम? मुकेश सहगलकर, वार्ड नंबर 32, नया पुराना में वार्ड नंबर 7। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम से वार्ड पार्षद उम्मीदवार है, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद वसीम नाम हुआ। कितना नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 44 से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को? जो हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, बहुत काम अधूरा है। मेरे वार्ड में कोई काम ही नहीं हुआ है और जनता का सेवा करेंगे जो भी है, और किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद वसीम हुआ। दोस्तों हमारे साथ एक प्रत्याशी है, क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद ताहिर, समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर, हाँ, नगर निगम समस्तीपुर। कौन सा पद के लिए? वार्ड के लिए है। वार्ड पार्षद पे? कितना नंबर वार्ड से? 38 नंबर वार्ड। क्या कुछ कमी रह गई थी कि आपको खड़ा होना पड़ा? सर हम बहुत पहले से राजनीति करते हैं और इससे पहले भी राजनीति हम किया है, ये 5वां मर्तबा मेरा। 5वां मर्तबा जी। क्या कुछ अभी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीतते हैं तो? जीतते हैं तो विकास का काम होगा, जीत रहे हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और जानते हैं ऊपर वाला भी जानते हैं हमने समाज के लिए बहुत सा काम किया है, समझे कि नहीं, और हम जीतेंगे, हमको पूरा भरोसा है। मेरे साथ समाज भी है, काफ़ी समर्थक आपके साथ नजर, हाँ काफ़ी है, इससे धूप के वजह से कुछ नहीं आया है, समझे कि नहीं, फिर आएंगे। बस नमस्कार चाचा। जी बताइए, किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया है और जनता के लिए क्या मेन मुद्दा रहेगा चुनाव? जनता के लिए मैं खड़ा हूँ, मेयर पद पे, नगर निगम जो मैं जनता से यही और आज भी अगर उनका आशीर्वाद मिले तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा होती हूँ। जो विकास का काम होगा जनता के लिए। क्या नाम है? मेयर प्रत्याशी। हो रहा है मेरा भी जल्दी जल्दी आएगा। वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवार शंभू राय। जनता के जो मूल समस्या है वो पानी, इसको हम दूर करने के लिए। कितना नंबर वार्ड से? 19 नंबर। क्या नाम हुआ? शंभू राय। क्या कुछ कमी रह गई थी जो अभी आपको खड़ा होना पड़ा? अभी नया हमारा वार्ड बना है, हम चाहते हैं कि टाउन से लेकर फंड लेके सबसे ज़्यादा विकास 19 के लिए करें। सबसे पहले प्राथमिकता होगी नाली की व्यवस्था करना, नाली का जमा होता है, जल जमा की समस्या जी, जरूरत को जरूरत से ज़्यादा पूरा करने का प्रयास करेंगे इन्हों, और उसके साथ साथ जितना भी जनता जो भी व्यक्ति जो गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबसे मिलने का काम करेंगे। इनसे मिलने के लिए किसी को परमिशन लेने की और ठाक की कोई जरूरत नहीं है, है ना। और इसके साथ साथ इन्होंने हर काम को अपने लाइफ में कुछ पहले भी किए हैं और आगे करते रहेंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है, और अच्छे आदमी है, कैंडिडेट अच्छे बने। सर आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अजित कुमार, वार्ड नंबर 19 से। प्रस्तावक है आप? जी प्रस्तावक है, वोटर है, सपोर्टर है। जाइए, ठीक है। समस्तीपुर नगर निगम से हमारे वार्ड कमिश्नर के पद पर वार्ड नंबर 19 से शंभू राय अपना नामांकन दाखिल किए हैं, मैं इनका प्रस्तावक हूं। हम कोशिश करेंगे जो हमारे वार्ड पार्षद जीत के जाए और क्षेत्र में जनता की समस्या को हल करें, जिसमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य, पंचायत सरकार भवन है हमारे वार्ड में, एक पोखरा है जिसका जीर्णोद्धार हो, यही सब समस्या इनसे दूर करने की उम्मीद करते हैं। ठीक, इन्हीं बात को मैं समझ करता हूँ। कैसा हो?
सा पद पे? समस्तीपुर नगर निगम से। कितना नंबर वार्ड से? 34 नंबर से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को? वहाँ रोड जल जमाव की समस्या रहती है, रोड टूटा फूटा है अगल बगल में, यही सब पड़े। माला स्वीकार करियो। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? देखिए, वार्ड संख्या 34 से हमारी माता जी नामांकन की हैं। वार्ड का विकास मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। क्या नाम है सर? विजय कुशवाहा। हाँ सर, क्या नाम हुआ? मिंटू दास। मिंटू दास, कितना नंबर वार्ड से? 12 से। कौन सा पद है? आज उप पद है, उपमेयर के लिए। उपमेयर के लिए है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को? जनता के कहना तो चाहते हैं, जो कि बड़का बड़का नेता सब तो बहुत कुछ करके लूट लिया। हाँ। हम तो भाई सब के कहेंगे जो कि कम से कम गरीबों को भी देखो। हाँ। और गरीब के बात सुनो। हमको भी समय दीजिए आप लोग, जो हम भी अच्छा काम करें। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम से वार्ड पार्षद के उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार हैं, और उनके यहाँ पे बेटा अभी मन्नू भाई है यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम फैसल मन्नू हुआ और मैं इसी समस्तीपुर का निवासी हूँ। इस बार वार्ड 27 से वार्ड पार्षद के रूप में हम अपनी अम्मी को, माता को आगे लाए हैं। हमारे वार्ड में समस्या इतना ज़्यादा है, लोगों की इतनी परेशानी है कि लोगों की चलनी दुश्वार हो गई है। 5 साल उन्होंने पानी झेला है, ठोइना भर पानी है, नाली की पानी है, गंदी पानी है, स्लैब सब सारी टूटी हुई है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है। और तो और क्या हुआ, कुछ लोगों के जो गरीब हैं उनका राशन कार्ड बना हुआ था, वो उनसे उस नाम भी कट गया, उनको हटा दिया गया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे समस्या है। रोड का तो ऐसा हाल बना हुआ है कि जड़ जड़ बाइक जाएगी, साइकिल जाएगी, वो गिर जाएगी, ऐसा हाल बना हुआ है। और यही हमसे, आप लोगों से निवेदन है मीडिया के से, कि हमें जनता चुने, जनता हमें आगे लाई है, आगे की है, तो आगे बहुत अच्छा काम होगी। क्या नाम हुआ आपका? शकीला बानू। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? उम्मीदवार बनी हैं, हमको जनता ने चुने हैं। हाँ। और मतलब कि नाला का निकासी जो है, बहुत उससे लोगों ने परेशानी उठाई है जनता, इसीलिए जो ना हम जो जीतने के बाद नाला, रोड, पानी सब जो हम ठीक करेंगे, बहुत जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। दोस्तों इस वक्त जो है हमारे साथ समस्तीपुर नगर निगम के पास तरफ से वार्ड, क्या नाम हुआ मैडम? बबली देवी। कौन सा पद में? 24 वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद 24 नंबर, समस्तीपुर नगर निगम से। हाँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कुछ बच गया था जो आप जी? हमारे वार्ड में आज तक कभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। हमें हमेशा नाला के पानी से आना जाना पड़ता है। मैं अपने वार्ड में बिजली, पानी, साफ सुथरा सब चीज़ करना चाहती हूँ। अपने वार्ड में आके कुछ नया करना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं अपने मतदाताओं से कहती हूँ। सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी धर्मपत्नी है? हाँ, पत्नी है हमारी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल ही दिया था, जो समस्या है वार्ड का तो बता ही रही है। जो समस्या है हमारे वार्ड में, सबसे बड़ा समस्या है नल निकासी, जल निकासी का, समझ गए ना? जो हमारे वार्ड पार्षद पुराने कोई भी, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वार्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने वार्ड में बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे वार्ड में आज तक कोई सुधार और कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। दोस्तों, इस वक्त जो है समस्तीपुर नगर निगम से हमारे पास यहाँ पे एक प्रत्याशी है। क्या नाम है सर? नूर आलम। कौन से पद पे खड़े हुए हैं? पार्षद पद से। पार्षद, कितना नंबर से? 18 नंबर। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को? वहाँ के जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले से भी हम समाज सेवा कर रहे हैं और वार्ड का काम वाम किए हैं, और इससे बेहतर और आगे वार्ड का जो इंशाल्लाह अगर मेरी जनता अगर हमको जिता करके वार्ड में लाती है, तो इससे बेहतर विकास का हम वार्ड का विकास करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता दानिश रहमान भाई,
देखते आए हैं, हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं, तो उम्मीद है कि समाज में जो चीज़ रह गया है काम होने से, तो जब भी जीत जाएंगे तो उम्मीद है कि मतलब उस पर आवाज़ उठाएंगे, काम करेंगे, पूरा उम्मीद है, क्योंकि समाज में हर तरह के मामले पे आवाज़ उठाते हैं खुल के, तो इनको जिताना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए जी। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम की तरफ से उप मेयर प्रत्याशी है, नौजवान है, क्या नाम है सर? राजा कुमार पासवान। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यही जनता को कहना चाह रहे हैं कि सही नेता चुनिए, जो काम कर सके, आपके साथ जुड़ सके हमेशा के लिए, जो मतलब कि 5 साल तक आपके बीच अच्छा अच्छा जो भी काम है वो ईमानदारी पूर्वक कर सके। पहली प्राथमिकता कौन सा होगा? जीतेंगे तो क्या करेंगे सबसे? जीतेंगे तो पहला नाला हो गया, जल जमाव का समस्या है, पहले तो यही देखा जाएगा, उसके बाद जो आता है इंदिरा आवास हो गया या प्रधानमंत्री आवास योजना, जितने भी गरीब लोग हैं उन सबका साथ देना है, उन सबका सहयोग करना है। आप कुछ कह रहे हैं, क्या बोलिए? मैं क्या बोलूँ, बस यही बोलते हैं अपने शहर के जनता लोग से, सॉरी कि मेरे भाई को जीत। अनीता देवी। अनीता देवी कौन सा नगर पंचायत? समस्तीपुर। समस्तीपुर कितना नंबर वार्ड से? मेयर पद पे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जीत के क्या कुछ जीत करें, जनता की सेवा करेंगे और क्या करेंगे, सेवा करेंगे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कौन है? मैं इनका समर्थक हूँ, संतोष कुमार, और ये जीतने के बाद जो भी नगर निगम के अंतर्गत जो भी समस्याएं होगी उनको दूर भगाने की काम करेंगे, और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जनता से सहयोग मांगते हैं, जनता अगर सहयोग दे तो हम लोग मेयर पोस्ट के उम्मीदवार अनीता देवी जो अथी हुई है, तो हम लोग क्षेत्र का जो भी काम होगा, विकास का काम होगा, हम लोग करेंगे, नागरिक पर निर्भर करता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम गया प्रसाद हुआ, प्रत्याशी का पति हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी ये नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आता है उस काम को बखूबी हम लोग उसको मैंने पटल पे लाएंगे और उसको अच्छा से मैंने काम करेंगे, और जो भी इसका अति मैंने क्षेत्र का काम है या सफाई हो या बिजली पानी का जो भी इसके अंदर आता है उसको अच्छा से अच्छा सब काम करेंगे। अगर आप जीत जाइएगा तो? जीत जाएंगे तो जनता के बीच में रह के जनता की समस्या को सुलझाएंगे, उसका सुलझाने का कोशिश करेंगे, सेवा करेंगे, और जितने भी हमारे जो नगर में जो नाली वाली जो टूटा फूटा हो उसको ठीक ठाक करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंटू कुमार। कौन सा? वार्ड 14 समस्तीपुर नगर निगम। समस्तीपुर नगर निगम से वार्ड 14 से। वार्ड पार्षद के लिए। वार्ड पार्षद। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या जनता से यही है कि जो जनता का समाधान होगा और विकास का कार्य किया जाएगा। डिप्टी मेयर के पद पर मैं खड़ा हूं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहां की जनता को? जनता को यही कहना चाहता हूं कि आज तक जो भी समस्या का निदान नहीं हुआ, यदि हम बन जाते हैं तो समस्या का निदान होगा, और गंदगी का जितना भी चीज है नगर निगम में सबसे बड़ी बात है गंदगी की। गंदगी का पहला वो गंदगी हटाएंगे, नल निकासी जो नहीं होता है, जो नल निकासी नहीं तो हमेशा बारिश के समय में नल जल जमाव पूरी तरह से हो जाता है, उसको हम संभवतः सोचेंगे कि उसको खत्म कर। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरा इनके समर्थक में हम हैं, और हम चाहते हैं कि पूरा जिला से चाइनीज मीटर सफाया हो। चाइनीज मीटर से पूरा जिला के लोग आक्रोश है, आहत है, परेशान है, इस चाइनीज मीटर को ही हटाना जरूरी है। क्या नाम हुआ? श्री संजीत राम नाम हुआ। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम से एक वार्ड प्रत्याशी है, क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद शहबाज सुल्तान हुआ। कितने नंबर वार्ड से? जी समस्तीपुर नगर निगम के 38 वार्ड पार्षद से आज मैं, जितने भी वार्ड नंबर 38 के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनका आशीर्वाद का नामांकन हुआ है, उन जो हमारे पास उनके उम्मीद से जो हमारे प्रति उसका एक उम्मीद जताया है, जो हमारे प्रति उसने एक विश्वास जताया है, जो हम भरोसा पे उतरेंगे उनके, आज तमाम जो वार्ड नंबर 38 के जितने भी मतदातागण हैं उनका में एक विश्वास का आज नामांकन हुआ है, उनके आज आशीर्वाद का नामांकन हुआ है। क्या मैं, करेंगे आप? मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, ये वार्ड नंबर 38 का बेटा आपके लिए हरदम जिस वक्त जो कहेगा तैयार रहेगा, जो भी होगा सरकार का हम सुविधा आप लोग के सामने पहुंचाने का काम करेंगे। सुल्तान यहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम से कौन से पद पे प्रत्याशी बने हैं?
क्या नाम हुआ? सीमा देवी। हाँ, क्या कुछ करना चाहते हैं सर? अगर आपकी पत्नी यहाँ पे जीतती है तो क्या कुछ कहेंगे? पूरे नाली अति कचरा बना हुआ है, नगर परिषद से पूरा अति बना हुआ है, कोई देखने लायक नहीं है, वो सब जो है ऐसी गंदी पड़ी हुई है, जल जमाव जो है से उस सबको देखने के लिए पूरा एकदम जीत के मैं ओके करूँगा। अगर जीत गए तो पूरे नाला नाला ताला जितना है बिजली तिजली जो दिक्कत है सबको हम देखेंगे, जितने भी नल जल योजना होंगे, जितने भी फंड आएंगे सब फंड मिलेंगे। पूरा बॉल पर लाइट उठ लगवा हुआ का एकदम टच करवा देंगे। क्या नाम हुआ? अनिल, अनिल महतो। हाँ, क्या नाम हुआ मैडम? रूबी कुमारी। कौन सा पद पे खड़े हुए हैं? वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद समस्तीपुर नगर निगम। नगर निगम। कितना नंबर वार्ड से? 33 वार्ड से। 33 वार्ड से। काफी समर्थक आपके साथ है, यहाँ पे महिलाएं भी काफी दिख रही है और पुरुष भी काफी है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को? जनता लोग हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जनता की सेवा करेंगे। क्या कुछ रह गया था अभी आपके वार्ड में जो आपको खड़ा होना पड़ा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो नाला का है। अच्छा। पानी का जल नाला और जल जमाव जो पूरे समस्तीपुर जिला में, खास लगभग बीएड कॉलेज के बुरा बदतर हाल है। कहाँ पे? बीएड कॉलेज वार्ड है वार्ड 33 में। पूरा बदतर हाल है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को आप मेरे चैनल के माध्यम से? इस बार मौका मिलेगा तो हम उनको विकास करेंगे। ठीक है, काफी महिला भी यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इनके बारे में बोलिए। जी हम तो यही चाहेंगे जी, अगर जीत जाएंगे तो अच्छा से मगर सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के और भी इनको अथी होगा। और क्या कहेंगे, काफी यहाँ पे महिला है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए इनके बारे में। ये मेरी चाची जीतेंगी तो बहुत सारा विकास कराएंगे और बहुत सारा सुविधा भी देंगी हम लोग को भी और जनता लोग को भी। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं आप लोग। जी रूबी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद। सर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ वार्ड नंबर 33 के रूबी देवी का प्रत्याशी का मैं समर्थन करता हूँ। मैं उनका मेरा बहू है रूबी देवी और जो जनता के लिए मैं 10 साल रहा हूँ पूर्व पार्षद टेकनाथ महतो, मैं काम करूँगा जो रोड नाला सड़क और शौचालय इंदिरा आवास जो बचा हुआ है उसका मैं पूरी तरह से काम करूँगा। ठीक, क्या नाम है सर? टेकनाथ महतो पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 33। यहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम से वार्ड प्रत्याशी महिला उम्मीदवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ? हुआ नेहा कुमारी, वार्ड वार्ड 16 से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? वार्ड पार्षद के सदस्य के लिए नामांकन किए हैं। हाँ। और कहना चाह रहे जो भी सरकार के द्वारा आए हुए योजना में कमी है उसको धरातल पे ला कर उसका पूरा करेंगे, जो भी कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, जहाँ भी कोई दिक्कत हो तब एनी टाइम हाजिर है। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे अभी समस्तीपुर नगर निगम से वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं, क्या नाम हुआ सर? राजेश कुमार पासवान मेरा नाम हुआ, मैं वार्ड पार्षद साथ से खड़ा हूँ और अपने और अपने अपने समाज के विकास के लिए मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा और समय आने पर यह हमारा समाज ही बताएगा। सर आप इनके साथ में हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इनके बारे में? देखिए राजेश पासवान जी अच्छे लोग हैं और हम लोग के पार्टी के तरफ से भी इनका पूरा सपोर्ट है, समाज के भी तरफ से सपोर्ट है और ये चुनाव जीतेंगे और जीत करके हम लोग का भरोसा है पूरा जनता के जो क्षेत्र में ये विकास के गंगा बहाएंगे, हर लोग के सुख दुख में ये शामिल होंगे, दिन हो ये रात हो और जनता के जो उम्मीद है उस आकांक्षा पर ये खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भोला राय हुआ। कुछ कहना चाह रहे हैं इनके बारे में? जी ये हमारे अपने समस्तीपुर नगर निगम वार्ड 7 के लिए बेहतर काम करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग ने इनके समर्थक बन करके इनका साथ दे रहे हैं और हमको जहां तक लगता है हम लोग चढ़ बढ़ कर भाग लेंगे। और काफी लोग आपके समर्थक में? जी जी हमारे जो गांव है और अब नगर निगम में बदल रहा है इस चीज के पूरी हर्षोल्लास है, खुशी है और हम लोग चाहेंगे कि बहुत बेहतर विकास हो, हर घर हर गली गली में सड़क हो, मूल रूप से हम लोग विकास का धारा बहा देंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार श्रीवास्तव हुआ। ठीक, ठीक।
अपनी भागीदारी वार्ड नगर निगम के वार्ड 7 से ही अपनी प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं और हम अपने क्षेत्र के सभी जनता गार्डियन के इनके समर्थन के लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और आगे इनसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ, मेरा भी एक आकांक्षा है कि मैं अपने वार्ड के लिए जो अभी तक अधूरा कार्य है, हमारे पूर्व के जो भी प्रतिनिधि सच्चे दिल से काम किया उसका उनको कार्रवाई को हम दुगुना रफ्तार से हम आगे और तेजी गति के साथ बढ़ाने का काम करेंगे। युवा शक्ति को समर्थन मिला है उस गति को भाइयों को तमाम धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। कौन सा वार्ड से? मैं समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 13 से। अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, विकास के लिए जो भी करना होगा करेंगे, अच्छे से करेंगे और हम चाहते हैं कि सारी जनता हमें मदद करे। युवा हैं, युवा लोग साथ रहेगा। क्या कुछ करेंगे, क्या प्राथमिकता क्या होगी अगर जीतेंगे? प्राथमिकता मेरा ये है कि सबसे पहले अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र था उसमें बहुत सारे विकास की कमी है। एक मिनट, वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं है, नगर के हिसाब से वहाँ कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के सड़कों के नालियाँ नहीं है, सड़कों के साथ नालियाँ का जुगाड़ होगा सही जो भी होगा। वहाँ पे अभी जो भी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचा जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, हो गया। ऐसे लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं हमारे नगर निगम का नाम पूछे नाम ज्यादा सहयोग है, पढ़े लिखे लोगों का वहाँ बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, मिलेगा भी और अच्छा से अच्छा मिलता है। क्या नाम है? हमारा नाम नगर निगम समस्तीपुर क्षेत्र समस्तीपुर। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे समस्तीपुर नगर निगम के तरफ से एक प्रत्याशी है। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मसीह रहमान हुआ। कौन सा पद? वार्ड 14 वार्ड पार्षद के लिए। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ की जनता को, 14 की जनता को? वहाँ की जनता के साथ मिलके हम अपने वार्ड का विकास करेंगे, सड़क नाला भवन जैसे आवास योजना जो है वो सब, और अनाज जो आवंटन होता है सरकार के द्वारा वो उनका पूरा हक उनको मिलेगा, उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कौन सा पद पे खड़े हुए? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ? क्या करेंगे आप जीते? बोलने दीजिए, क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी अभी हम लोग तो नए नए वार्ड में मतलब आए हैं, नगर निगम से जुड़े हैं और हम लोग यहाँ जो है पानी निकासी की बहुत समस्या है। तो सबसे पहला हम लोग का काम रहेगा जिससे है तो नाली का निर्माण करवाना, उसके बाद सड़क और लाइन की जो व्यवस्था है उसे सुनिश्चित करना। आगे बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम दास। कौन सा? समस्तीपुर नगर निगम जी नहीं, मुसिहारी नगर पंचायत से वार्ड नंबर 18 से वार्ड पार्षद। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर अभी नया नया हम लोग का मुसिहारी नगर पंचायत जब बना है और वार्ड पार्षद अभी नॉमिनेशन किए हैं, नॉमिनेशन हो ही गया और रही बात इलेक्शन जीतते हैं तो जो वार्ड के लिए जो विकास के लिए होगा काम होगा, इस पर दिक्कत नहीं है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे। नगर पंचायत कितना नंबर वार्ड? 20 नंबर वार्ड। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या सब करेंगे जीतेंगे? कहना चाह रहे हैं जो हमारे वार्ड में बहुत ही चीज़ का बहुत ही तकलीफ है,
यही चीज के लिए हम खड़ा हुए हैं जो अपना वार्ड को हम ऊंचा करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, उषा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद।